ओके, एनिमल मूवी का प्री रिलीज ट्रेलर देखने को मिल चुका है एंड इट्स समथिंग रिस्पेक्टफुली। जो कि मैं तुम्हें बता दूं, संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल मूवी के लिए मैं इसलिए एक्साइटेड नहीं हूं कि उन्होंने कबीर सिंह बनाई थी, जो कि एक्चुअली वो तो एक अच्छी पिक्चर थी ही, मगर जो उन्होंने 3 साल पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं बताता हूँ या दिखाता हूँ कि वॉयलेंस होता क्या है। एंड आई लाइक हिज कॉन्फिडेंस दैट ही टेक्स ऑन हिज कैरेक्टर्स, कि भाई मैंने हरामखोर कैरेक्टर लिखा है तो वो हरामखोरी करेगा। देयर इज नो अंडरलाइंग आउटरलाइंग या मोटिव या फिर कुछ सिंपैथेटिक डीड्स हूँ उसमें। एंड इसी कॉन्फिडेंस के साथ जब भाई एनिमल मूवी के लीक्स आने लगे तो भाई फील हो गया कि ही इज नॉट फकिंग अराउंड, ही विल फक एवरीथिंग अप। And that's what I like about new generational actors. जो कुछ actors risk actually में लेते हैं। Animal movie एक full blown adult R-rated movie होने वाली है with top tier actors, जिसको violence की glimpse हमें pre-teaser में देखने को मिली गए। जिसपे sources का तो ये कहना है कि जो pre-teasers इन्होंने release किए हैं वो actually में movie का part पूरी तरीके से नहीं होने वाले, बल्कि उसे as a promotional gig की तरह use किया जा रहा है। ठीक जैसे southern movies में लोकेश कनगराज अपने लोकी यूनिवर्स के प्रोमोस के साथ करते हैं। मगर फिर भी इसे देख के निराश में नहीं होता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट तो भाई वो कॉरिडोर सीक्वेंस तो होना ही चाहिए, क्योंकि भाई वो कॉरिडोर फाइट सीक्वेंस की अपनी एक अलग ब्रीड होती है। मगर फिर भी इस सीक्वेंस के परे देखें तो हमें अंदाजा हो गया है कि मूवी क्या टोन रखने वाली है, इसकी कलर पैलेट क्या होगी, वॉयलेंस का अंदाजा हो गया है कि कितना खून बहने वाला है, और एस्थेटिक्स भाई साहब आइडेंटिटी रखते हैं अपने कैरेक्टर्स एंड ग्रुप्स। जो कि यहां पे कोई डिमीनिंग कंपैरिजन नहीं है, बट लेकिन समझने के लिए कुंफू हसल का एक्स गैंग का याद है ना तुम्हें, हर एक कैरेक्टर और ग्रुप की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, जो कि भाई उनके कॉस्ट्यूम चॉइसेस एंड के आसपास के एस्थेटिक्स से पता चलती है। कमाल का फील होता है ना। एंड यस भाई साहब, इनके गाने भूपिंदर बबल साहब एंड मनन भरद्वाज के द्वारा, ये जो उनका ओरिजिनल दिया गया है, रियली सेट्स द मूड फॉर यू। पर्सनली मैं तो बहुत इनटू इट नहीं हूं पंजाबी म्यूजिक में, मगर वो जो बहुत कम गाने होते हैं ना जो मूड सेट करते हैं, वो ये गाना था। एंड आई वुड लव टू हियर द एंटायर सॉन्ग, जो कि इनके ही फ्रेम में रहने से थोड़ा सा डिसरप्टिव फीलिंग आती है कि क्या एक्चुअली में ये इस नैरेटिव का पार्ट है, क्या वे अपने रणबीर कपूर के कैरेक्टर के साइड में हैं जो उन्हें पीछे से बैक कर रहे हैं। लेकिन जब मारामारी की बात आती है तो भाई अपने रणबीर कपूर कहते हैं कि तुम लोग रुको, तुम्हारा भाई देख रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर ये ऐसा है तो इस बात को बैक करने के लिए कोई शॉट नहीं है, लेकिन अपने रणबीर कपूर देख तो रहे हैं खून भरी आंखों से किसी को, जो कि अगर ये अपने सरदार जी नहीं है तो वे किसको देख रहे हैं। खैर सवाल बहुत सारे हैं, वीडियोस भी बहुत सारी आएंगी एंड मैंने इसमें बिहाइंड द सीन्स को कुछ फोटोज भी दिखी हैं एंड मैं बोल रहा हूं दे आर सो रिच इन इट्स थीम्स, जो कि आई नो कुछ चॉइसेस कंट्रोवर्शियल हैं एंड वागा साहब ये बात जानते हैं कि उन पे हैवी क्रिटिसिज्म भी आएगा। मगर इससे जो कहानी वो हमें बतलाना चाहते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर कैसे डेमोक्रेटिक से टेरिटोरियल बन गया, कैसे डिप्लोमेटिक डिल्यूजंस में जी रहा है, मुझे उन पे बात करनी है एंड उनके ऊपर वीडियोस आएंगी। तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम इस प्री टीजर को देखकर तुम्हें कैसा लगा। मैं बता रहा हूं बहुत मजे आने वाले हैं, पूरा मास है, रियल वॉयलेंस है, थीम्स है, वर्ल्ड बिल्डिंग, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, एक्साइटमेंट कह सकते हो, हाइप अप हो रही है। तो अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम इस प्री टीजर को देख के क्या फील करते हो एंड टीजर को देख के अब क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। मगर आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ट्रांसफॉर्मर्स मूवी भी आ चुकी है, जिसके लिए मैंने अपनी इस वाली वीडियो में पूरी बात की है, जाके जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।